हेलो फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे और अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 9:30 इन द मॉर्निंग। और आज पता नहीं यहाँ पे ना दो दिन से एक्चुअली रेन तो हो रहा है, बट थोड़ा हो रहा है, थोड़ा बंद भी हो रहा है। बट इस चक्कर में काफ़ी ह्यूमिड वेदर है, बट नॉट वेरी बैड क्लाइमेट। तो दो तीन दिन से मुझे कुछ अच्छा अच्छा खाने को मन कर रहा था, बट सिंस अभी वॉजेंट एट होम, क्योंकि वो सुबह जा रहे थे, रात को आ रहे थे, तो फिर मज़ा भी नहीं आता है। तो टुडे ही इज़ वर्किंग फ्रॉम होम, आई थिंक सो, अभी तक तो यही बोला है। तो आई थॉट कि चलो आज थोड़ा सा इन्जॉय कर लिया जाए। वैसे भी कल सैटरडे एंड देन संडे आने वाला है, तो थोड़ा वीकेंड आने की खुशी में ही क्यों ना खुशी मनाया जाए। तो आज ब्रेकफास्ट भी कुछ स्पेशल बनाऊंगी, मतलब जो मुझे अच्छा लगता है खाने में एज वेल एज लंच में। बट हाँ लंच में थोड़ा सा रहेगा फिश, और लिटिल हटके फिश का रेसिपी बनाऊंगी। तो कीप वॉचिंग, आई गेस आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो जब इस टाइप के मैं ब्रेकफास्ट या लंच बनाती हूँ जो कि थोड़ा सा हाई इन कैलोरीज रहता है, तो द ट्रिक व्हिच आई डू कि मैं थोड़ा कम पोर्शन में लेती हूँ। थोड़ा सा इलैबोरेट कुकिंग है तो फास्ट करूँगी। तो झटपट शुरू करने से पहले मैंने लगा आपको हाय बोल दूँ। और मैं बहुत थोड़ा सा प्रिपरेशन करके आई हूँ, क्योंकि जब मैं मॉर्निंग हेल्थ ड्रिंक लेने गई थी तो उस वक्त मैंने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर लिया है। अब बस जाना है वो काम को एग्जीक्यूट करने। तो चलिए शुरू करते हैं किचन से। अब यहाँ पे मैंने लिया है प्याज, अदरक, लहसुन और थोड़े से हरे मिर्च, और इनको अब मैं इस मैनुअल चॉपर में चॉप करूँगी। और मैं जनरली हमेशा जब भी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करती हूँ तो उनके जो ब्लेड्स है एज वेल एज़ कंटेनर्स को तुरंत ही वॉश कर लेती हूँ। इस तरह से ब्लेड्स के जो शार्पनेस है वो बने रहते हैं, और इसको क्लीन भी जल्दी करना आसान रहता है। तो इसलिए फटाफट से मैंने चॉप कर लिया है और अब स्टार्ट करूँगी गैस। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करने को डाल दिया है, और दूसरे वाले पैन में डालूंगी देसी घी गरम होने के लिए। देसी घी जनरली बहुत जल्दी ही गरम हो जाता है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे ऐड कर दिया है सूजी, क्योंकि मुझे घी में थोड़ा सूजी को रोस्ट करना है। और तब तक यहाँ पे सरसों का तेल भी गरम हो गया था, तो उसे मैंने ऐड किया है साबुत जीरा, और अब ये सारे चॉप्ड अनियन, जिंजर, गार्लिक का जो मिक्सचर है उसको, और इसको मैं थोड़ी देर तक फ्राई करूँगी। ये कुछ नारियल के टुकड़े हैं, इनको मैं थोड़ा सा पानी के साथ फाइनली चॉप कर लूँगी, क्योंकि मैं इसको सूजी का हलवा में ऐड करूँगी। साथ में लंच का भी थोड़ा प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो इमली का मुझे पानी चाहिए लंच का एक डिश के लिए, तो इसलिए मैं उसको भी सोक करने के लिए डाल दे रही हूँ। साथ में मैं थोड़ा सा फ्लावर मिक्स भी रेडी कर रही हूँ। तो ये मैंने लिया है गेहूं का आटा, और उसमें मैंने ऐड किया थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, और अब ऐड करूँगी सॉल्ट, और उसके बाद थोड़ा सा कसूरी मेथी को भी क्रश करके ऐड करके मिक्स कर दूँगी। मसाला मेरा अच्छे से फ्राई हो गया, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी छोटे कटे बैंगन। जी हाँ, आज बन रहा है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मसाला बैंगन, और इसको मैं थोड़ी देर तक चलाने के बाद ऐड करूँगी एक टमाटर चॉप करके। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, और इसको मैं कवर करके कुक करूँगी, और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और बीच बीच में चलाते जाऊँगी। सूजी भी अच्छे से फ्राई हो गया घी में, तो अब मैंने जो चॉप्ड नारियल रखा है उसमें से हाफ इसमें ऐड कर दूंगी, और हाफ मैं यूज़ करूंगी लंच में एक रेसिपी के लिए। तो थोड़ा सा नारियल के साथ इसको और फ्राई करूंगी।
अब मैं ऐड कर रही हूँ शुगर। मुझे वैसे थोड़ा सा मीठा कम अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा कम शुगर ही ऐड करते हैं हमेशा। सूजी में अब मैं ऐड कर रही हूँ दूध, और बस इसको स्लो आंच में जब तक दूध सूख ना जाए तब तक कुक करूँगी, और इससे हमारा एक बहुत ही टेस्टी सा सूजी हलवा बन जाएगा। और अभी मैं बैंगन को थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे चढ़ाना है कढ़ाई में तेल, क्योंकि बनाऊँगी मैं मेथी पूरी, तो इसलिए सबसे पहले मैं तेल को गर्म होने के लिए डाल रही हूँ और इसी बीच आटा को भी गूंद लूँगी मैं। तो आज का नाश्ता है मेथी पूरी, मसाला बैंगन और नारियल एंड सूजी का हलवा। आज मैं आपको एक मजेदार चीज दिखा रही हूँ रिगार्डिंग दिस ईयरप्लग्स या फिर ईयरफोन जो भी हम लोग बोलते हैं। मैं इसको यूज़ कर रही हूँ कितने साल हो गए, शायद आई हैड माई फर्स्ट मोबाइल माइट बी 2005 या 2006 से, मतलब ऑलमोस्ट 12-13 साल से ज़्यादा हो गया होगा कि मैं मोबाइल यूज़ कर रही हूँ एक के बाद एक। बट ये था कि मैं हार्डली आई यूज टू यूज़ दिस ईयरप्लग्स, बट जब से मैं यूट्यूब में हूँ तो अब ज़रूरत पड़ती है खासकर फॉर वॉइस ओवर। तो मैं इतने सालों तक इसको ठीक से आई शुड से कि कैसे इसको फोल्ड करके रखते हैं कैसे खोलते हैं वो मुझे अब तक ठीक से नहीं आता था।
एंड रिसेंटली आई डिस्कवर्ड इट, तो मुझे लगा आपसे भी शेयर करूं. माइट बी यू ऑल मे बी नोइंग इट अर्लियर, बट अगर नहीं पता तो ऐसा ट्राई करना, कभी भी ये फेल नहीं होगा. बहुत ही इजी, कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि जनरली अगर आप कोई ऑर्गेनाइजिंग वीडियो देखो जहाँ पे बताते हैं कि हाउ टू कीप योर ईयर प्लग्स टैंगल फ्री, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रॉप की जरूरत होती है, बट इसमें कुछ भी नहीं जरूरत. मैं आपको बस अभी दिखाती हूँ कैसे करना है. एक मिनट, थोड़ा सा डाउन कर लूँ ये. तो ये है हमारा ईयर प्लग का जो ईयर्स में लगाने वाला साइड, और यहाँ पे है सेकेंड एंड. तो इस तरफ से पहले हमको ऐसे फोल्ड करना शुरू करना है ईयर प्लग के साइड से. जस्ट फोल्ड इट लाइक दिस और ऐसे थोड़ा सा छोड़ देना है, और इसको ऐसे बीच में से पकड़ना है ऐसे. और ये जो टेल बचा इसको बस ऐसे करके फोल्ड कर देना है बीच में. जस्ट फोल्ड इट लाइक दिस, ऐसे बस रोल कर दे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रही हूं. और ये जो एंड बचा उसको इसके बीच में से निकाल दे रही हूं बस, जस्ट टू सिक्योर द अदर एंड. ऐसे बस बीच में से निकाल देना है ऐसे. तो ये आप ऐसे करके अपने बैग में या जहां भी रखना वहां पे रख लिया. अब ऐसे तो ये ट्रायंगल नहीं होगा जब रखा रहेगा. अब खोलने के वक्त भी आप देख लो कैसे खोलना है, वो भी बहुत इजी है. एक तरफ से मैंने ये जो दो ईयर प्लग्स है उसको पकड़ लिया है, और दूसरे से यहाँ इसको जो अंदर घुसाया था उसको बस निकालना है. जैसे जहां से घुसाया था वहीं से निकालना है. तो ये मैंने बस निकाल लिया. अब इन दो एंड्स को एक साथ पकड़ो, एक ये एंड और इस एंड को, दोनों को एक साथ पकड़ो और ये खुल गया. तो ऐसे खोलना भी आसान है और वापस रखना भी आसान है. मैं पहले इस तरफ से फोल्ड करती थी, और हमेशा खोलते वक्त खासकर इट यूज टू गेट टैंगल. फिर मैंने एक दिन पता नहीं बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया कि ट्राई करती हूँ वेदर इट वर्क्स और नॉट. एक दो बार करना, देखना ये आ जाएगा. फिर कभी भी जिंदगी में ना आपका जो ये ईयरफोन्स है कभी भी टैंगल नहीं होते हैं. बस ये ध्यान में रखना है कि जब निकालोगे तब ठीक से निकालना, मतलब जहां से अंदर किया बस वहीं से पुल ऑफ करना और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है. और दूसरा सिरे को पकड़ लो और बस खुल गया इजीली. तो ये फिर से मैंने इसको ऐसे कर दिया. अब मैं अपने प्लेस में रख दूं जहां पे रखती हूँ. टीवी यूनिट के नीचे इसे एक बॉक्स में रखती हूँ. यहाँ पे एक ऑलरेडी है सैमसंग का, और इसमें ये आईफोन का रख देती हूँ, तो सॉर्टेड भी रहते हैं. और बेड के पास जानबूझ के नहीं रखती हूँ आजकल, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू यूज मोबाइल एज लेस एज पॉसिबल. वैसे भी मैं कम ही यूज करती हूँ, और कम करो, मतलब जब काम हो तभी करो, अदरवाइज डोंट यूज इट अननेसेसरीली. तो ये था, तो चलिए अब आगे काम किया जाए.
आज मैं आपको एक अपना सीक्रेट बताती हूँ. मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अपने आप को जितना हो सके बिजी रखने का, बिकॉज दैट इज अ सीक्रेट मंत्र. इफ यू वॉन्ट टू कीप योर सेल्फ हैप्पी ऑल द टाइम, ट्राई टू कीप योर सेल्फ बिजी. जरूरी नहीं है कि आप हाउस होल्ड कोर से ही बिजी रहो. डू वट एवर यू वॉन्ट और वट एवर यू कैन गो फॉर इट. अगर आप बाहर कुछ क्लासेज या कुछ अगर ज्वाइन कर सको तो वो करो, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है, प्लस आई कैन नॉट गो आउट टू मच लीविंग हिया बिहाइंड. तो मैं इसलिए मुझे घर में ही उतना रहना पड़ता है. तो मैंने इस तरह से अपने आप को ढाल लिया कि जितना मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम रहता है आफ्टर डूइंग ऑल द नेसेसरी वर्क्स एंड हियास वर्क, आई ऑलवेज ट्राई टू कीप माई सेल्फ बिजी. तो अभी इसलिए प्रेस कर रही हूँ. तो ये एक सीक्रेट मंत्र है, ट्राई करके देखना कि काम में ज़रूर आएगा. मतलब आई एम टेलिंग इट फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस. जितना ज़्यादा अपने आप को बिजी रखोगे ना, उतना ज़्यादा बुरे ख्याल, दुखी होने का टाइम नहीं रहेगा. बिकॉज समटाइम्स अगर आप एम्प्टी या फिर खाली बैठते हो तो होता है ना कि कई बार वी स्टार्ट रिमेंबरिंग किसी ने मुझे क्या कहा था या उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया या कुछ ना कुछ. तो इफ़ यू वॉन्ट टू कीप योर सेल्फ हैप्पी ऑल द टाइम, ऑलवेज कीप योर सेल्फ एंगेज इन वट एवर वे यू वॉन्ट टू एंड वट एवर मेक्स यू फील हैप्पी. तो चलिए मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ, फटाफट से प्रेस कंप्लीट कर लूँ एंड फिर मिलते हैं किचन में. आज बनाऊंगी मैं मलाबार फ़िश करी. उसके लिए मैं फ़िश को फ्राई करने के लिए डालूंगी. तो इसलिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल को ऐड कर दिया है और इस तरफ बनाऊंगी एक और रेसिपी, वो है मिक्स्ड वेज के साथ अलॉन्ग विद फ़िश हेड. ये थोड़ा बंगाली रेसिपी है, हम लोग बंगाली में इसको माछेर माथा दिए घोंटो बोलते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले मैंने तेल में ग्रीन चिलीज को चॉप करके डाल दिया है फ्राई होने के लिए. और इसी बीच ये मैंने मैरिनेट किया था फ़िश को नमक हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च के साथ. तो अब मैं इसको अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी. इस बीच यहाँ भी तेल गर्म हो गया, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी पाँच फोड़न में डाल रही हूँ मस्टर्ड सीड्स, मेथी सीड्स, क्यूमिन सीड्स, नाइजेला सीड्स और फेनेल सीड्स. और इसको मैं अच्छे से फ्राई करने के बाद ये ऐड कर रही हूँ कुछ वेजीज. इन वेजीज में है परवल, बैंगन और कच्चा केला. और साथ में मैं ऐड करूँगी कुमड़ा. तो ये कुमड़ा ऑलमोस्ट 10 दिन पुराना है, मैंने कट करके वॉश करके फ्रीज़र में रखा था. तो आज उस फ्रोज़न कुमड़ा को मैं ये ऐड कर रही हूँ. तो देखिए 10 दिन से ऊपर हो गया बट अभी तक एकदम फ्रेश है और रेडी टू यूज़ है. तो बस इसको मैंने अब ऐड कर दिया इसमें. अब मैं ऐड कर रही हूँ नमक और टर्मरिक पाउडर और उसके बाद में इसमें मैं जिंजर ग्रेट करके डालूंगी. इसको मैं ऐसे मिक्स करने के बाद स्लो फ्लेम में कवर करके कुक करूंगी. इसमें बिल्कुल ही पानी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुमड़ा, बैंगन ये सब भी अपना थोड़ा बहुत मॉइस्चर छोड़ेगा. और इस वेजिटेबल में पड़ेगा फ़िश हेड, तो इसलिए मैं कातला फ़िश हेड को भी फ्राई कर ले रही हूँ. और ये वेजीज 50% ऑलरेडी कुक हो चुका है अब तक. तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पोई साग. पोई साग को इंग्लिश में मालाबार स्पिनाच कहते हैं. तो इसको ऐड करके अब मैं अनकवर्ड कुक करूँगी, क्योंकि ये जो पत्ते हैं ये काफ़ी पानी छोड़ेगा. तो मैं कुछ देर तक इसको अनकवर्ड कुक करूँगी. 3-4 मिनट हो गया है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ़िश हेड अलॉन्ग विद द ऑयल ऑल्सो, क्योंकि उसमें भी काफ़ी फ्लेवर आ जाता है. और इसको मैं 3-4 मिनट के लिए अब कवर करके कुक करूँगी, जिससे कि जो फ़िश हेड का जो फ्लेवर है वो इससे मिक्स भी हो जाए, प्लस फ़िश हेड थोड़ा सा नरम भी हो जाए. और उसी कढ़ाई में मैंने ऐड किया है थोड़ा सा तेल और अब मैं बनाऊँगी नेक्स्ट फ़िश रेसिपी. तो उसके लिए मैं
फ्राई कर रही हूँ ये मसाला। ये मसाला सिंपल मसाला ही है, प्याज अदरक लहसुन टमाटर थोड़ा सा जीरा थोड़ा सा धनिया मिला के मैंने पेस्ट बनाया है, बस उसको फ्राई कर लूँगी थोड़ी देर तक। सात आठ मिनट हो गए हैं और हमारा जो मसाला है फ्राई भी हो गया है। और अब मैं इसमें सुबह का जो बचा हुआ कोकोनट का जो एक मिक्स है उसको बाकी इसमें ऐड कर दूंगी और थोड़ी देर तक और फ्राई करूंगी। इस बीच हमारा जो फ़िश हेड है वो भी काफ़ी अच्छे से और कुक भी हो गया है, तो अब मैं वो जो फ़िश हेड है उसको ब्रेक कर दूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी उसके साथ। तो हमारा वेजी भी अच्छे से कुक हो गया है, तो अब बंद करने के पहले मैं उसमें ऐड कर रही हूँ ये मसाला। ये मसाला मैंने जो 5 फोड़न है अलॉन्ग विद रेड चिली, जो कि होल सूखा रेड चिली होता है, उसको रोस्ट करके पाउडर करके बना के रखती हूँ, तो बस उसी को लास्ट में ऐड करके अब गैस बंद कर देना, तो हमारा एक रेसिपी रेडी हो जाएगा। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर और सॉल्ट, और इसको 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक भून लूँगी। सुबह जो हम लोग ने इमली भिगोया था अब मैं उसका जो पानी है वो भी इसमें ऐड कर दूँगी, और थोड़ी देर तक 1-2 मिनट के लिए बॉईल होने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी फ्राइड फिश, और फिर इसको कवर करके कम से कम 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम में कुक करूँगी। फ़िश के लिए बना रही हूँ एक तड़का, तो मैंने तेल गरम कर रही हूँ और उसमें मैं ऐड करूँगी ब्लैक मस्टर्ड सीड्स, सूखे लाल मिर्च और करी पत्ता, और जैसे ही ये तो अच्छे से फ्राई हो जाए फिर इसको मैं फ़िश में ऐड कर दूँगी और जो गैस है वो बंद कर दूँगी। इसी से हमारा जो फ़िश करी है वो भी प्रिपेयर हो जाएगा। मैं जब तक कुकिंग कर रही थी तो पीछे से बरसात भी होगी थोड़ी बहुत, तो अभी कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा करके बरसात हो ही रहा है। ये रहा आज का लंच, पुई शाक और तरकारी दिए माछेर माथा दिए घंटो, मलाबार फिश करी, और जो थर्ड छोटी कटोरी देख रहे वो है गुड़ाम चटनी अलॉन्ग विथ राइस। तो यही था मेरा आज का कुकिंग मैराथन वाला व्लॉग, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा।
तो मिलती हूँ मैं आपके साथ बहुत ही जल्दी एक नए व्लॉग या वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी ईटिंग।